हाय एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैकटेक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो अभी मैं आप लोगों के लिए कंपैरिजन वर्ड का मैंने सीरीज चालू कर दिया था, तो फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा दिया है। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए, या वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट अलग बना हुआ उस प्लेलिस्ट से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो मैंने 2022 का टेक्निकल इंग्लिश का क्लास स्टार्ट कर दिया, मैथ तो कुछ पढ़ा दिया, उसके बाद मैकेनिक्स भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी कारगर साबित होंगे। और इतना अच्छा कॉन्टेंट हमें नहीं लगता कि कोई भी प्रोवाइड करेंगे, वो भी बिल्कुल कम समय में आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा, क्योंकि विदाउट इंग्लिश, बिना इंग्लिश का आपका मैथ और मैकेनिक्स दोनों बेकार है। तो पार्ट टू में आप लोग बने रहिए। तो पार्ट टू देखिए, पिछले वीडियो की तरह उसी तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ, लेकिन कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा मैंने पिछले वीडियो में कवर कर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है एज चीयरफुल एज, क्या लिखा हुआ है एज चीयरफुल एज, देखिए प्रसन्न जो होना है एज चीयरफुल एज ए लार्क, क्या हो जाएगा लार्क के तरह चीयरफुल होना है। एज स्लाय एज ए फॉक्स, लज्जालू किसके तरह होना है, स्लाय यानी कि धूर्त किसके तरह, फॉक्स के तरह होना है। एज फेयर एज ए रोज, रोज यानी कि गुलाब के तरह तरोताज़ा होना है। एज फास्ट एज ए हेयर यानी खरहा के तरह, देखिए खरहा तो डरपोक भी होता है लेकिन क्या होता है बहुत ही तेज भागता है, इसलिए कहते हैं एज फास्ट एज हेयर। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ एज फ्री एज, एज फ्री एज क्या हो जाएगा एयर, हवा के तरह स्वतंत्र होना चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है एज ग्रेव एज, क्या लिखा हुआ है एज ग्रेव एज, तो एज ग्रेव एज ए जज, क्या हो जाएगा जज के तरह गंभीरता से लेने वाला, यानी कि जज जो है कि क्या करता है गंभीर से दोनों पक्ष को सुनता है और जो है कि न्याय करता है उसके पक्ष में जो सही होता है, ठीक है। फ्लैट एज, क्या लिखा हुआ है एज फ्लैट एज, तो एज फ्लैट एज क्या होगा पेनकेक होगा, क्या होगा एज फ्लैट एज पेनकेक। नेक्स्ट लिखा हुआ है एज ग्रीडी एज, क्या हो जाएगा एज ग्रीडी एज, क्या होता है ग्रीडी का मतलब होता है लालची, लालची किसके तरह होना चाहिए ओल्फ यानी भेड़िया के तरह, या हम कह सकते हैं डॉग कुत्ते के तरह, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एज ग्रीडी एज ओल्फ यानी भेड़िया के तरह, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ एज प्लेफुल एज, यानी कि प्लेफुल का मतलब होता है जिंदा दिल, तो अगर प्लेफुल होना है जिंदा दिल होना है तो किसके तरह होना है, तो लिखेंगे एज प्लेफुल एज ए स्क्विरल, क्या लिखेंगे एस्क्विरल एस क्यू यू आर डबल ई एल एस्क्विरल, देखिए एस क्यू यू आई डबल आर ई एल होगा एस्क्विरल, ठीक है। एस्क्विरल का मतलब क्या होता है गिलहरी होता है, लेकिन एज प्लेफुल एज बटरफ्लाई भी यहाँ लिखेंगे, मैक्सिमम आपको बटरफ्लाई ही मिलेगा, ठीक है एस्क्विरल। नेक्स्ट लिखेंगे एज लाइट एज, लाइट का मतलब होता है बिल्कुल, क्या होता है लाइट का मतलब होता है हल्का, ठीक है एज लाइट एज क्या हो जाएगा फीदर, पंख के तरह हल्का होना चाहिए, क्या होना चाहिए एज लाइट एज ए फीदर, पंख के तरह हल्का होना चाहिए। नेक्स्ट 11 में देखिए लिखा हुआ है एज हार्ड एज, तो एज हार्ड एज क्या हो जाएगा स्टोन, पत्थर के तरह मजबूत होना चाहिए। एज ओबस्टिनेट, ओबस्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, एज ओबस्टिनेट एज क्या हो जाएगा मल, एज ओबस्टिनेट एज क्या हो जाएगा मल हो जाएगा। एज ट्रिकी एज, एज ट्रिकी एज क्या हो जाएगा मंकी, एज ट्रिकी एज मंकी बंदर के तरह दिमाग लगाने वाला। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ एज ब्रीफ एज, यानी कि संक्षिप्त जो होना है, एज ब्रीफ एज क्या होता है एज ब्रीफ एज टाइम एज ड्रीम, क्या हो जाएगा टाइम एज ड्रीम यानी कि स्वप्न के जैसा तत्क्षणिक आपके दिमाग में आया फिर चला गया। देखिए लिखा हुआ एज कैंडिड एज, यानी कि फ्रैंक जो होना है, कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक यानी कि किसके तरह जो होना है, तो वह होना है मिरर के तरह, बिल्कुल आप जैसे हैं उसी तरह से दिखेंगे, कोई भी उसमें से कुछ भी चीज़ नहीं करेगा, तो एड कैंडीज एज क्या हो जाएगा मिरर्स हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ एज हैवी एज, तो एज हैवी एज क्या हो जाएगा लेड, यानी कि लेड की तरह क्या होना है हैवी होना है। एज मेड एज, क्या लिखा हुआ एज मेड एज, तो एज मेड एज हेटर यानी पागलों की तरह, यानी कि हेटर या अगर होना है किसी से ईर्ष्या करना है
तो उसके लिए क्या कहते हैं, हेटर के तरह करें, पागलों के तरह निकलो। एज शार्प, एज शार्प क्या होता है, शार्प का मतलब बहुत ही तेज होता है। एज शार्प एज रेजर, ठीक है, रेजर नीडल भी कह सकते हैं। एज स्लो एज सर, एज स्लो एज स्नेल क्या हो जाएगा, स्नेल के तरह क्या होना चाहिए, बिल्कुल धीरे होना चाहिए, क्योंकि तो टॉर्टोइज नहीं होगा क्या, टॉर्टोइज की अपेक्षा भी यह क्या होते हैं, बिल्कुल धीमे होते हैं। और लास्ट में लिखा हुआ एज कोल्ड एज, तो सर कोल्ड के लिए आपने आइस का प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पे एज कोल्ड एज क्या यूज करेंगे, मार्बल। ये दोनों आपको एग्जाम में देखने के लिए मैक्सिमम मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये 20 क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर चाहते हैं कि जिस तरीके से इंग्लिश का तो कवर हो रहा है, अगर चाहते हैं मैथ और मैकेनिक्स का बहुत ही कम समय में कवर हो पाए, तो आपके लिए ओनली फॉर 500 में कोर्स आया हुआ है। आज 30 मार्च है, कल 31 मार्च तक ही लास्ट डेट है एडमिशन का। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है तो बिल्कुल देख लीजिए, आपको डेमो वीडियो आपके लिए है ही, तो देखिए और जो है कि निर्णय लीजिए कि किस तरह से सर पढ़ाते हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, नहीं क्वेश्चन बन जाएगा, यानी कि सिर्फ आज यानी कि कल एक पार्ट और इसका आएगा, तो आपका जो है कि एग्ज़ाम में 20 मार्क्स मिल जाएंगे मात्र 3 वीडियो में। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। शाम में मैथमेटिक्स का वीडियो आएगा।